क्या मामला, क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना ये थी जी, हम होटल पर खड़े हुए थे तो पंडित जी ने, हम फिर धोबी घाट पर पहुंचे, पंडित जी ने पुलिस वालों से बुलवाया हमें और हमें चौकी में ले गए, हम पे डंडे भिजवाए कि नु हमारी मूर्ति तोड़ दी। हमने कुछ नहीं तोड़ा, उसका एक फ्रेम टूटा हुआ था, उसकी वैसी खाली वीडियो बना के उन्हें दे दी और हम पे खूब भिजवाया, हमारे हाथ पैर ये रहे, हाथों में डंडे बजाए, सूज रहे ये रहे। पंडित जी के पास आपके खिलाफ कोई एविडेंस या प्रूफ है कि यहाँ पे नहीं वो शीशा या कुछ तोड़ा है? कुछ नहीं, हमने कहा था मैंने जी कैमरे चेक करा लीजिए, उन्होंने कुछ चेक नहीं करा। कितने लोग थे आप? हम तीन लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनोवर है। क्या घटना घटी है आपके साथ? अब हमें तो पहले बात तो घाट पे जाने से ही मना कर रखा, 3-4 साल हो गए हम घाट पे नहीं जा रहे, और पिछले 15-20 साल से गोताखोरी कर रहे हैं। हम होटल पर खड़े थे, चाय वाय पी रहे थे, वो पंडित हमें देख के वीडियो वीडियो बना के भेज दिया, हमें चलो भाई कैसे बना रहा वो किसी को आने से। हम फिर पंडित साहब पहुँच गए, फिर दीवान जी आके हमें बुला के ले गए चौकी पे, ले आने के बाद दरोगा जी कहने लगे कोई तुमने मूर्ति वूर्ति तोड़ी? मैंने कहा साहब हमने तो तोड़ी नहीं, आप उस पर देख लीजिए वहाँ कैमरे लगे हुए सब में। उन्होंने नहीं माना, फिर हमें पीटा उन्होंने। किसने पीटा आपको? दरोगा जी ने। कौन से दरोगा जी हैं? ये चौकी इंचार्ज जो गंगनहर पे, मुरादनगर गंगनहर के चौकी इंचार्ज जो हैं, उन्होंने पीटा, दंडे वंडे मारे, हमारी उंगली आज भी अभी तो सूजी पड़ी, आज 4-5 दिन हो गए अभी सूजी। तो आपने इनकी शिकायत मौजूद जो है आला अधिकारियों से क्यों नहीं की कि हमारे साथ में इस तरह से व्यवहार किया? बस सर हम डर गए, अधिकारी हैं पता ना किस चीज़ में, हमें फिर जेल वेल भेज दे झूठा आरोप लगा के कोई, इस वजह से हम किसी से। तो तुम तीनों के ही साथ जो है चौकी इंचार्ज ने मारपीट की है? जी सर। किसके कहने से मारपीट की है इन्होंने आप तीनों के साथ में? मुकेश गोस्वामी के कहने पे मारपीट कर लिया हमारे साथ। मुकेश गोस्वामी ये कहते हैं कि यहाँ मत रहना तुम। क्यों? मुकेश गोस्वामी जो हैं यहाँ के महंत जो हैं छोटे हरिद्वार के, क्या आपसे कोई पुरानी रंजिश रखते हैं? रंजिश क्या सर, हम इसमें से कुछ ये नारियल वगैरह कोयला वगैरह पकड़ के गुजारा करते थे, वो कहता था कि हमें आधे दो इसमें से, तो हमने मना कर दिया भाई हम मेहनत से निकालते, हम कैसे देते तुम्हें आधे, इस वजह से रंजिश है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो गोस्वामी जी जो यहाँ पे मुरादनगर में गंग नहर में जो नारियल सिलाने के लिए आते हैं या कुछ चीज़ सिलाने के लिए आते हैं, उसमें से आप जो नहर से निकालते हैं उससे आधा हिस्सा मांगते हैं? जी, उसमें से आधा हिस्सा मांगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही वारदात हुई है? यही हुआ जी, बोल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश, ये मुकेश गोस्वामी जी ने जो आपके साथ में मारपिटाई कराई है, किस लिए कराई है? यहाँ पर दिखाई मत दो। क्यों नहीं दिखाई दें? क्या तुम्हारे से पुरानी रंजिश रखते हैं मुकेश गोस्वामी? घर में कुछ सामान निकाल लेते हैं जो लोग चलाते हैं मंदिर, तो वही आधा मांगते हैं, आधा दोगे तो यहाँ पर रहोगे, नहीं दिखाई दोगे। इसी मारा में 3-4 साल से वहाँ से हटा रखा था।